सेवा का नाम दिया गया है सुरक्षित सफर सुविधा। महिलाएं अपने यात्रा के दौरान यदि कहीं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो वे अविलंब जो हमारा आपातकालीन नंबर जो है, जो आरएसएस का नंबर है 112, हर 15 मिनट के अंतराल पर कॉल देकर आपसे फीडबैक लेंगे कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, या आप अपने गंतव्य पर पहुंची कि नहीं। 112 की मोबाइल हो या फिर कोई जिला की मोबाइल हो, पुलिस का प्रेजेंस, पुलिस की सहायता आपको अविलंब मिल सके। देखिए, बिहार के नए डीजीपी बने आलोक राज एक्शन मोड में आ गए हैं और ऐसे में ईआरएसएस कमांड कंट्रोल सेंटर का उन्होंने आज उद्घाटन किया है। ऐसे में जो भी महिला हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं यह कमांड कंट्रोल सेंटर खुला है। ऐसे में जो भी महिला सफर करती हैं, कहीं यहाँ से वहाँ जाती हैं, अगर उनको दिक्कत आती है तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो कमांड कंट्रोल सेंटर का नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकती हैं। ऐसे में डीजीपी आलोक राज ने यह साफ कह दिया है कि बिना मतलब का कोई कॉल कर परेशान न करे। बता दें दर्शकों को कि जिस तरीके से कलकत्ता डॉक्टर रेप कांड सामने निकल गया था, इसको देखते हुए अब जाकर बिहार पुलिस भी कहीं ना कहीं चौकन्ने हो गई है और ऐसे में महिलाओं को लेकर काफी ज्यादा जो है सख्ती बरत रही है। इसके साथ ही देखिए, आज ईआरएसएस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया, इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे में पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय जिलों में आज से इसकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही 15 सितंबर से पूरे बिहार भर में योजना की शुरुआत होगी, डीजीपी आलोक राज ने बताया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए डीजीपी आलोक राज, वो सुने आप लोग। सभी मीडिया के बंधुओं का ईआरएसएस प्रांगण में स्वागत है बिहार पुलिस की ओर से। सर्वप्रथम मैं एडीजी श्री निर्मल आजाद, डीआईजी श्री अनिल, एसपी श्रीमती शीला और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत ही अच्छा एक पहल लिया है, सुरक्षित सफर सुविधा। इस सेवा का उद्देश्य यह है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं और जो भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो घर से जब बाहर निकलती हैं तो कहीं भी कभी भी पुलिस की सहायता से सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच सकती हैं। इसीलिए इस सेवा का नाम दिया गया है सुरक्षित सफर सुविधा। महिलाओं के सफर पर बिहार पुलिस की 24/7 निगरानी। डायल 112 में सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंतर्गत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा दिनांक 5/9/24 से बिहार के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आज इसका शुभारंभ किया गया है। इन जिलों में है पटना, नालंदा, भागलपुर, गया, बेगूसराय एवं मुजफ्फरपुर। इन 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। महिलाएं अपने यात्रा के दौरान यदि कहीं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो वे अविलंब जो हमारा आपातकालीन नंबर जो है, जो आरएसएस का नंबर है 112 के माध्यम से, 112 के माध्यम से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। जैसे ही 112 पर उनका फ़ोन आएगा, हमारी जो ईआरएसएस का जो कमांड सेंटर जहां बैठे हैं, हमारी जो यहां पुलिसकर्मी तैनात हैं, प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी, वो आपके कॉल को लेंगी और उसके बाद उसके अनुसार वो संबंधित 112 मोबाइल को निर्देशित करेंगी। इसके बाद हर 15 मिनट के अंतराल पर कॉल देकर आपसे फीडबैक लेंगे कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, या आप अपने गंतव्य पर पहुंची कि नहीं। आप भी कॉल करके बता सकती हैं कि मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गई हूं, सुरक्षित हूं। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है और बिहार सरकार के दिशा निर्देश में बिहार पुलिस द्वारा यह पहल की गई है। सफर के दौरान यात्री के फोन ना उठाने या विषम परिस्थिति में तत्काल रूप से आसपास कि ERVS को भेजा जाना है तो ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए भी संबंधित जिले को भी हम लोग सूचित कर देंगे। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे हमारा डायल 112 व्हीकल जो है कहीं दूर है तो संबंधित जिला की मोबाइल वहाँ पहुँच जाएगी। तो तात्पर्य यह है कि हमारी ये कोशिश होगी कि आपको हेल्प करने के लिए, आपको सहायता देने के लिए 112 की मोबाइल हो या फिर कोई जिला की मोबाइल हो, पुलिस का प्रेजेंस, पुलिस की सहायता आपको अविलंब मिल सके।
हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पूरे भी पहले इस सिस्टम को 6 जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद इसके फीडबैक लेकर इसको और इम्प्रूव करके, और जैसे जैसे मैन पावर हमारा ट्रेंड होगा, क्योंकि इसके लिए हमको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, आप समझ रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा एक्सपेंशन होगा मैन पावर ट्रेंड, हाँ मतलब तो वो नेक्स्ट फेज़ में जब हम आएंगे तो हम एडीजी साहब जैसा कि बता रहे हैं कि हम लोग अनवरत इसके लिए प्रशिक्षण चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि दुर्गा पूजा के पहले, हो सकता है 15 तारीख से ही हम समस्त बिहार कर लेंगे। तो 15 तारीख से, आज 5 तारीख को 6 जिलों में शुरू किया गया है, 15 तारीख से हम बिहार, समस्त बिहार में इस सेवा का शुभारंभ कर सकेंगे। इस सक्रियता, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी महिलाएं जो हैं, लड़कियां हैं, वो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कई कामों से बाहर जाती हैं, इसके लिए वो बिल्कुल ही असुरक्षित ना महसूस करें, और वे अपने अंदर आत्मविश्वास लाएं और बेहिचक बिना किसी सोच के हम लोगों को कॉल करें। हम लोग निश्चित तौर पे, ये जो सेवा है निश्चित तौर पे उनके लिए उपलब्ध होगी। आपके माध्यम से मैं बिहार की आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुन लिया, आलोक राज ने यह साफ कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा काफी अहम है, और ऐसे में इसको लेकर बिहार पुलिस जो है हमेशा तत्पर है, और इसको देखते हुए ERSS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। ऐसे में बिहार के तमाम अनेक जगहों पर 15 सितंबर तक इस कमांड कंट्रोल सेंटर का तमाम अनेक महिलाओं को लाभ मिल पाएगा। तो फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।